तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहिबा ने ना औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। फरमाए बेटे बैठ जा। हज़रत फातिमा भी बैठ गई, सैयद आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाए फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाए बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया। आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते, रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाए चल आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुँह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाए बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है बस, अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाए।